जनपद संभल के चंदोसी में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। आज देश भर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता। वे सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। इस अवसर पर जनपद संभल की चंदोसी के आवास विकास में स्थित कर्पूरी ठाकुर पार्क में कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदुरानी तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी भी मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने देश के संविधान को सार्थकता प्रदान की। वहीं नगर पालिका परिषद चंदोसी की अध्यक्षा इंदुरानी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने समाज के दबे कुचले पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज कर्पूरी ठाकुर जी जननायक जो रहे, दबे कुचले पिछड़े लोग जो रहे, उन्होंने जाति भेद को मिटा करके और ऊंचे नीचे वर्ग को मिटा करके काम किया है, सबसे ऊपर उठ के काम किया है। तो आज की उनकी श्रद्धांजलि सच्ची तभी होगी जब हम सब मिल करके उनके आदर्शों का पालन करके कर सकते हैं और उनके आदर्शों पर चल करके दिखाएं। और आज समाज में तभी विकास कर सकता है कोई भी समाज जब हम सब जाति भेद आपस में मन मुटाव को मिटा करके एक साथ एकजुटता के साथ काम करेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती है, उस पर मैं कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे नेता का की जयंती मनाने का कारण किया जो अपने आप में एक बहुत अहम है। उन्होंने इस देश के संविधान की को सार्थकता दी, क्योंकि संविधान क्षेत्र भाषा जाति धर्म से अलग हट करके वो असमानता पैदा नहीं करता। कर्पूरी ठाकुर अपने आप में इस बात के प्रेरणा स्रोत हैं दुनिया के सामने, जिन्होंने गरीब परिवार में जन्म लेकर के एक बार उप मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने साबित किया कि क्षेत्र मतलब जाति धर्म के नाम से या भाषा के नाम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा उसका व्यक्तित्व होता है, बड़ा उसका व्यक्तित्व होता है। कर्पूरी ठाकुर साहब को आज के दिन हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने जिस कार्यशैली को, जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, वो सोशलिस्ट विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। सोशलिस्ट का मतलब होता है देश के संसाधनों पर बराबरी का अधिकार। उन्होंने गरीब पिछड़े दलितों के लिए जो बराबरी का अधिकार दिलाया, जो संदेश दिया, आज उनके सपने को साकार करके समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का लिखाने का काम करें। सत्ता जब ही हासिल हो सकती है जब एकजुट रहें, मजबूत रहें, तब सत्ता हासिल होती है। और सत्ता के दौरान आप बड़े काम जब करेंगे, जब गरीबों को, मजलूमों को, इस देश के संविधान के प्रति बराबरी का हक देंगे। आज के मौके पर यही उनके विचारों की सार्थकता है। जय हिंद।